हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आप सभी का मोहन सर की क्लास में। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने अपने अंदर आए कुछ बदलावों के बारे में बताया था। स्कूल का एनुअल फंक्शन और उसके बाद हुई मेरी तबीयत खराब के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों, दिन भर हॉस्पिटल में लाइन में खड़े रहने के बाद जब डॉक्टर ने रिपोर्ट के लिए दूसरे दिन आने को कहा, तब मैं घर आ गया। मैंने दवा तो ली, मगर बुखार और बार बार बाथरूम जाने की वजह से रात में मैं स्कूल में ही जाकर सो गया। रात में दर्द होने की वजह से नींद ही नहीं आई। दूसरे दिन बबलू और कैलाश की छुट्टी नहीं होने की वजह से वे काम पर चले गए। मैं सवेरे जल्दी हॉस्पिटल जाकर रिपोर्ट लिया और डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर दवा दे दी। मैंने दवा खरीदी और घर चला गया। खाने में तकलीफ होने की वजह से मैंने आधा एप्पल खाया और दवाइयां खाकर आराम करने लगा। लगभग 15 मिनट हो गए थे मुझे आराम करते। तकलीफ कुछ कम होते नजर आ रही थी और नींद आने लगी थी। तभी अचानक मेरा मन घबराने लगा और उसके बाद मुझे उल्टी हो गई। मैंने जो कुछ भी खाया था सब कुछ बाहर आ चुका था। अब मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो गया था। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे मेरे पेट का दर्द बढ़ते जा रहा था। अब मेरा दर्द इतना अधिक बढ़ गया था कि उसे सहन करना अब मुझे नामुमकिन सा प्रतीत होने लगा था। यह पीड़ा अब असहनीय होते जा रही थी। शाम हो चुकी थी मगर मेरे दोनों भाई अभी तक घर नहीं आए थे। दर्द को अब आपे से बाहर होते देख मैंने अब फैसला किया कि अब मुझे किसी भी हालत में हॉस्पिटल में एडमिट होना है। मैंने यादव सर को फोन करके पूछा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होने का कितना चार्ज लग सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट में इलाज करा के मैं अब थक चुका था। यादव सर ने कहा, अगर इलाज जल्दी हो जाएगा तो 5-6 हजार तक तो कम से कम चार्ज लग सकता है। उस समय इतनी भी रकम चुकाने की मेरी हैसियत नहीं थी, क्योंकि अब भी मेरे पास पैसे नहीं बचते थे, क्योंकि अभी भी मेरी सैलरी सिर्फ 3 हजार ही थी। अब मैंने फैसला कर लिया कि पैसों का तो मैं बाद में सोचूंगा, लेकिन पहले मैं ठीक तो हो जाऊं। इसलिए अब मैं एडमिट होने के लिए तैयार हो गया। अब मैंने यादव सर को हॉस्पिटल के बारे में पता करने के लिए फोन कर दिया। अखिलेश सर को भी बाइक लेकर आने को कह दिया और बबलू और कैलाश के आने का इंतजार करने लगा। अब दर्द और भी बढ़ गया था और बढ़ता ही जा रहा था। मैं सबका बहुत बेसब्री से इंतजार करने लगा था, क्योंकि दर्द की वजह से एक एक पल मुझे एक एक घंटे के जैसा लंबा लग रहा था। थोड़ी देर बाद बबलू घर आया। मैंने उसे मेरी तबीयत के बारे में बताया नहीं था, क्योंकि वह घबरा जाता। जब बबलू घर आया तब मुझे तड़पता देख वह भी डर गया था। मैंने उसे मेरे साथ हॉस्पिटल चलने कहा। थोड़ी देर बाद कैलाश भी आ गया। मैंने उसे रूम पर ही रुकने कहा और घर पर माँ और घर के बाकी लोगों को बताने के लिए कह दिया, क्योंकि अब माँ गांव चली गई थी और गांव में ही रहने लगी थी। मैंने माँ को भी सिर्फ बुखार के बारे में बताया था, दर्द के बारे में नहीं। जब कैलाश ने मेरे एडमिट होने वाली बात बताई तब माँ तो घबरा ही गई थी, साथ में पूरा परिवार सदमे में आ चुका था। थोड़ी देर बाद यादव सर, अखिलेश सर तथा महेंद्र भाई मेरे रूम के पास बाइक लेकर आ गए। दोस्तों, महेंद्र भाई वे हैं जिनके अनुरोध पर पवन सर ने कलवा में स्कूल खोला था। दोस्तों, लगभग रात के 8 बजे
हम हॉस्पिटल के लिए निकले। उधर यादव सर ने पाटिल सर को भी कॉल कर दिया था, इसीलिए पाटिल सर भी पहुंच गए थे। अब मुझे कलवा के हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया था। नर्स ने तो बाकी की फॉर्मेलिटीज कर ली थी, मगर डॉक्टर का कोई अता पता नहीं था। नर्स से पूछने पर उसने डॉक्टर के आने का समय रात के 11 बजे बताया। यह सुनकर तो मेरा माथा ही ठनक गया। अब मेरा दर्द बेकाबू होता जा रहा था, असहनीय पीड़ा होने लगी थी। अब हिम्मत कर मैं डॉक्टर के आने का इंतजार करने लगा। 11 बजने के बाद भी डॉक्टर का कोई पता नहीं था। अब तो मैं भी आपे से बाहर हो चुका था। मैंने यादव सर व पाटिल सर को कहा भी कि अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है, अगर डॉक्टर को लेट हो रहा है तो प्लीज मुझे दूसरे हॉस्पिटल लेकर चलो। नर्स से पूछने पर वह यही कहकर टाल देती थी कि अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। अब मैं दर्द से तड़प तो रहा था, साथ ही उस डॉक्टर पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। लगभग 12:15 बजे डॉक्टर आया। बाद में पता चला कि वह किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, वहां से छूटने के बाद वह यहां आता है। डॉक्टर के आने की खबर सुनकर मुझे थोड़ी सी राहत मिली। डॉक्टर आए, मुझे चेक किया, नर्स को कुछ बताया और बाकी पेशेंट को चेक करने के बाद तुरंत वापस चले गए। डॉक्टर के बताए अनुसार नर्स ने मेरी दवाइयां शुरू कर दी। अब मुझे लगने लगा था कि धीरे धीरे मेरा दर्द कम हो जाएगा, मगर यह मेरा भ्रम था। मुझे दवा दिलवाने के बाद यादव सर, अखिलेश सर, पाटिल सर व महेंद्र भाई अपने अपने घर चले गए। अब मेरे साथ सिर्फ बबलू ही था। दवा लेने के बाद भी मेरा दर्द कम नहीं हो रहा था। नर्स से पूछने पर वह यह कहकर टाल देती थी कि थोड़ी देर में कम हो जाएगा। डॉक्टर के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि वे अब कल 11 बजे ही आएंगे। अब मेरे पास रात भर तड़पते रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। सच कह रहा हूं दोस्तों, उस रात मैं एक मिनट भी चैन से सो नहीं पाया था। रात भर मैं दर्द के मारे तड़पता रहा और रात भर करवट बदलता रहा। बबलू भी असहाय सा मेरे बाजू में बैठकर मुझे तड़पता देख सिर्फ सांत्वना देने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि उसके पास भी इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब मैं फिर से डॉक्टर का इंतजार करने लगा था। अब दर्द कम नहीं होता देख नर्स ने हमें सुबह सोनोग्राफी निकालने को कहा। दूसरे दिन सुबह जब बबलू ने कैलाश को फोन किया तो वह काम पर जा चुका था, इसलिए अब मैं बबलू के साथ ही सोनोग्राफी करने गया। वहां जाने पर मुझे 8वां नंबर दिया गया। वहां बैठे बैठे भी मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। लगभग 1 घंटे के बाद मेरा नंबर लगा। सोनोग्राफी की रिपोर्ट लेकर मैं फिर से हॉस्पिटल में आया और डॉक्टर के आने का इंतजार करने लगा। तो दोस्तों, उस रिपोर्ट में क्या था और उसके बाद आगे क्या हुआ, यह बताने मैं फिर मिलूंगा मेरी अगली वीडियो में। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।